बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नीमच से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज की तरफ से आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 12 बीघा गांजा पालड़ा गांव के पास जंगल से घिरा था, आसपास के खेतों की घेराबंदी की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नीमच से खबर है, करीब 12 बीघा गांजे की खेती पकड़ी गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध तरीके से गांजे की खेती की जा रही थी और यहाँ पालड़ा गांव के पास जंगल से ये पूरा खेत घिरा था, आसपास के खेतों की घेराबंदी भी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ ये पूरा देखने को मिल सकता है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, फिलहाल इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। करीब 12 बीघा यहाँ पर जमीन देखने को मिली, करीब 12 बीघा गांजे की खेती यहाँ पर पकड़ी गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु परिहार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर 12 बीघा गांजे की खेती पकड़ी है, पूरा मामला क्या है वो आपसे जानेंगे। जी, आपने जो जानकारी दी है वह सही है। आज तड़के पुलिस ने यह एक्शन प्लान किया और नीमच से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर रामपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पालड़ा गांव है जो जंगल के बीच में खेत बड़ी तादाद में यहाँ पे है। यहाँ पर गांजे की अवैध रूप से खेती हो रही थी, पुलिस को ये सूचना थी, तो लगभग 100 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की टीम ने एक साथ वहां पर घेराबंदी की है और लगभग 12 बीघा खेत अभी तक सर्च किया जा चुका है जिसमें गांजे की खेती मिली है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि उसी स्थान पर दो खेतों में अवैध अफीम की खेती भी मिली है। अफीम की भी अवैध खेती यहां पर हो रही थी, ऐसी जानकारी अभी अभी हमारे सामने आई है और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। अफीम और गांजे की ये अवैध खेती यहाँ पे पाई गई है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से तमाम खेतों की सर्चिंग की जा रही है और पुलिस बल के अलावा राजस्व विभाग की टीमों को वहां पर बुलवाया गया है जो प्रत्येक खेत की दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किनके खेत है और जिनके खेत हैं क्या उनके द्वारा ये खेती की जा रही थी या कोई और मसला यहाँ पे था। जी विष्णु, इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी, हमारी एसपी सूरज कुमार वर्मा से इस मामले में बात हुई है, वे इस मामले को लीड कर रहे हैं और दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं। बीच बीच में हमसे जो कुछ उनकी बात हुई है उनका ये कहना है कि चूंकि अफीम और गांजे के जो पौधे हैं वो काफी बड़े हो चुके थे, इसका मतलब ये है कि काफी लंबे समय से यहाँ पे बुआई से लगा करके और अफीम के पौधे बड़े होने तक किसी को कानों कान भनक नहीं लगने दी और वहां पर इस तरह की अवैध खेती को अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने आज तड़के यह प्लान किया था और कार्रवाई शुरू कर दी वहां पर और अभी यह कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उसी इलाके में आसपास अफीम और गांजे की और भी खेती मिल सकती है। अब तक केवल गांजे की लगभग 3 एकड़ में खेती अवैध रूप से पाई गई है जबकि अफीम की खेती भी वहां पर इतनी ही लगभग मिल सकती है। जी विष्णु, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर खेती देखने को मिल रही है, क्या इस पर किसी की कोई नजर नहीं गई अभी तक? सवाल दोहराए, आपकी आवाज कट रही है। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी जो जमीन गांजे की खेती देखने को मिल रही है, सब 12 बीघा गांजे की खेती देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्या इस पर किसी की कोई नजर नहीं गई अभी तक? स्वाभाविक रूप से यह बड़ा प्रश्न है। अब तक यहाँ पर इस तरह की जानकारी इसलिए भी सामने नहीं आ रही जैसा अधिकारी बता रहे हैं, इसलिए नहीं आ रही थी कि पौधे जब छोटे होते तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये किस तरह की फसल है। लिहाजा जब पौधे बड़े हो गए तो स्पष्ट हो चुका है उसमें कि यहाँ पर अफीम और गांजे की यह खेती हो रही थी। ऐसे में अब यह कार्रवाई की गई है जो अपने आप में मध्यप्रदेश का इस इलाके का एक बड़ा और पहला मामला यह देखा जा रहा है क्योंकि आमतौर पर अफीम की अवैध खेती के मामले इधर जरूर देखे जाते हैं लेकिन गांजे की अवैध खेती का इतने बड़े पैमाने। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।